गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस यूट्यूब वीडियो क्लास में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसको आज हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी क्या है, एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का अभिप्राय होता है मुखौटा या कोई भी एक आवरण धारण करना। आवरण धारण करने का क्या रहता है, जैसे पहले के समय में जब भी कोई नाटक या किसी तरह का अभिनय किया जाता था और उस दौरान कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी अलग व्यक्ति का रोल प्ले करता था, यानी उस व्यक्ति जैसे एक्स व्यक्ति का जो है वाई व्यक्ति रोल प्ले कर रहा है, तो वो उसके गुणों का, उसके व्यवहार का, उसके आदतों का रिफ्लेक्शन अपने एक्ट के द्वारा, अपने प्ले के द्वारा रिफ्लेक्ट करता था वो, यानी मुखौटा धारण करना है ना, उसको हम कहते थे पर्सनैलिटी। मनोवैज्ञानिक में बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और उसमें बताया कि व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व यानी व्यक्ति के रूप गुण की समग्रता से है जो गतिशीलता के कारण जैविकीय और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होकर परिवर्तित होती रहती है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति का आउटर क्या है, यानी बाहरी उसका आवरण क्या है, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है। सेकंड इसमें क्या बताया है, गुणों की समग्रता का मतलब होता है जो भी उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं उनका इंटीग्रेशन क्या है। अब क्वालिटीज में बहुत सारी, जैसे किस तरह के उसका व्यक्तित्व है, कौन से उसके अंदर स्किल्स हैं, कौन से उसके ट्रेंड्स हैं, कौन से उसके इंटरेस्ट हैं और कौन सी उसने जो है अनुवांशिक रूप से कौन से गुणों को एक्वायर किया है, और वो सारा का सारा उसका इंटीग्रेशन जो है वो साइकोलॉजी में बताया गया है, वो पर्सनैलिटी है। और वो क्या करता है, जो गतिशीलता के कारण बायोलॉजिकल और सोशल परिवेश से, यानी बायोलॉजिकल यानी हेरिडिटी से उसने क्या एक्वायर किया है। जैसे हम हेरिडिटी से किसी से कलर हमारा है, हेयर का कलर है, हेयर का टेक्सचर है, आई का कलर है, इसके अलावा कुछ और हम बायोलॉजिकल ट्रेड्स जो है वो हेरिडिटी से, जैसे म्यूजिक का ट्रेड है कि हमने हेरिडिटी से एक्वायर किया है, तो और सोशल परिवेश। दूसरी चीज़ होती है कि हम एनवायरनमेंट, जिस भी एनवायरनमेंट में कोई व्यक्ति रहता है उससे भी उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे हम किस तरह के परिवेश में रहते हैं, किस तरह का हमारा घर का एनवायरनमेंट है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, या जहाँ भी व्यक्ति उस समुदाय का या सामाजिक परिवेश का वातावरण है, वो सारी चीज़ें भी उसके व्यक्तित्व को बनाती हैं। और वो सारी चीज़ों का एक कंपोजिशन जो है एक समग्र रूप जो है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अब तो इस तरह से व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का पार्ट हम कहते हैं, जो भी व्यक्ति रिफ्लेक्ट होता है वो, और वो सारा कुछ चीज़ें जो होती है वो अनुभव से भी एक्वायर करते हैं, एक्सपीरियंस जो होते हैं एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस होते हैं उनसे भी वो भी उसके सारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। अब डेफिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी, कितनी तरह, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, किस तरह से व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फोर तरह से इसको डिफाइन किया गया है। एक तो होता है ओमनीबस यानी संग्रही मेथड से इसको करा गया है, एक इंटीग्रेटेड यानी ओमनीबस मेथड जो होता है, ओमनीबस डेफिनेशंस होती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव डेफिनेशन, ठीक है, हायरार्किकल, और नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स, यानी इस तरह की अलग अलग डेफिनेशन जो है मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए दी है और उसके आधार पर हम व्यक्तित्व को डिफाइन कर सकते हैं। ओमनीबस व्यक्तित्व वो होता है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में दिखाई देता है, जैसे इसके अंदर व्यक्ति के जो लक्षण गुण आदि के समूह
का जो होता है यानी पूरा इंटीग्रेटेड जो पार्ट होती है वो इसके तहत आती है। और इसमें जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो दी है मॉर्टन प्रिंस ने दी है, मॉर्टन प्रिंस ने बताया है पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल इननेट डिपोजिशंस इंपल्सेस टेंडेंसीज एपोटीज एंड इंस्टिंक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द एक्वायर्ड डिपोजिशन एंड टेंडेंसीज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस। इन्होंने क्या बताया है व्यक्तित्व क्या है, संपूर्ण जो बायोलॉजिकल इननेट है जो उसने हेरिडिटी से एक्वायर की है, इंपल्सेस टेंडेंसीज, और जो व्यक्ति इसके अलावा कुछ चीजें जो है वातावरण से जो चीजें एक्वायर करता है वो सारी के सारी क्या है व्यक्ति का व्यक्तित्व है। यानी क्या है जैविक जन्मजात उद्वेग रुझान सुधार भूल प्रवृत्तियां और सारे के सारे मूल प्रवृत्तियों का जो योग है, जो मूल प्रवृत्तियां वो एनवायरनमेंट से ले रहा है, जो वो सीख रहा है वो सारे के सारे उसका व्यक्तित्व है। एक और जो डेफिनेशन चीज जो बताई है वो बताई है समकलनात्मक या इंटीग्रेटिव डेफिनेशंस। इंटीग्रेटिव डेफिनेशंस वो होती है जिसमें व्यक्ति के समग्र पर बल दिया जाता है, पूरे पूरे उस पर बल दिया जाता है। और इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति के विकास या व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर किसी अवस्था पर उसका संपूर्ण जो संगठन है इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है संगठन किसी यानी पूरा यूनिट होल पर्सनैलिटी जो होती है वो इसके समकालान इसमें आती है इंटीग्रेटिव अप्रोच में आती है। नेक्स्ट है सोपानवित, सोपानवित में यानी उसकी हायरार्की क्या होती है। सोपानवित में के को सबसे ज्यादा जेम्स ग्रेवर ने डिफाइन किया था। इन्होंने चार चीजें बताई थी एक मटीरियल सेल सोशल सेल स्पिरिचुअल सेल और ईगो। यानी मटेरियल सेल्फ यानी कोई भी वस्तु या जो भी सामान से संबंधित जो होती है। सेकंड है सोशल जो सामाजिक स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक और प्योर यानी उसका इंटरनल ईगो क्या है। यानी फर्स्ट हम मटेरियल में आएगा भौतिक चीजें जो भौतिक जगत है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाता है। सोशल सेल्फ यानी उसके जो सराउंडिंग है जिस एनवायरनमेंट में सोशल एनवायरनमेंट में फैमिली में स्कूल में कम्युनिटी में सोसाइटी में जो रहता है वो उसका सोशल सेल्फ बनाते हैं। स्पिरिचुअल सेल्फ यानी जो उसका आध्यात्मिक घर का परिवार का या उसका सोच क्या क्या वैल्यूज है वो उसका स्पिरिचुअल सेल्फ बनाते हैं। और प्योर ईगो यानी जो उसके अंदर जो भी उसके अंदर इनर सेल्फ होता है वो उसके प्योर ईगो को बनाता है। नेक्स्ट मेन जो डेफिनेशन है वो अल्पॉट की है। अल्पॉट बहुत इन्होंने व्यक्तित्व विकास को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और सबसे यूनिक डेफिनेशन इनकी है। इन्होंने बताया है पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस बाय यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ हिज एनवायरमेंट। यानी इन्होंने क्या बताया है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी डायनेमिक यानी पूरा एक डायनेमिक यानी सब बहुत 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 सारी चीजों का मिलकर यानी बहुत सारी चीजों को मिलाकर व्यक्तित्व जो है वो बनता है। यानी एक हम संगठनात्मक अप्रोच इसमें लेते हैं यानी जैसे शारीरिक मानसिक सामाजिक ये सारी जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा एक चीजों का संगठन जो होता है वो व्यक्तित्व होता है। और मेन इसमें क्या बताया है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सिस्टम के साथ में उसका समायोजन और दैट डिटरमाइंड बाय यूनिक एडजस्टमेंट। यानी हर व्यक्ति का अपने एनवायरनमेंट के साथ में अपनी फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल कंडीशंस के साथ में यूनिक यानी विशेष प्रकार का वो समायोजन और एनवायरनमेंट के साथ में स्थापित करता है। तो पर्सनैलिटी को इन्होंने क्या बताया कि पर्सनैलिटी के है डायनेमिक यानी मल्टी टास्किंग व्यक्तित्व होता है जो व्यक्ति सिर्फ खुद के साथ ही नहीं
बल्कि वो अपने सारे एनवायरनमेंट के साथ में भी एडजस्टमेंट करना सीखता है, परिवेश के साथ में समायोजन करना स्थापित करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी जो है किसी व्यक्ति की या व्यक्तित्व की या मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोण की आदि विशेषताओं का क्या है, एक संगठन है, और यह जीव शास्त्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण से ये बहुत ज्यादा अद्भुत संगठन होता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार, रुचियों, कौशल, अभिवृत्तियों के साथ में नए एनवायरनमेंट के साथ में समायोजित होता है तथा अपने जो भी उसके प्ले ग्रुप प्लेमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके साथ में भी वो एडजस्टमेंट करना सीखता है। तो पर्सनैलिटी पूरा का पूरा क्या है, टोटल सम है उस किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, और ये बायोलॉजिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक कलेक्टिव जो है रिफ्लेक्शन जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हम पढ़ने वाले हैं। Thank you.